हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बीजीपीटी पाठक से मैं राजेश सर, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम क्लास के बढ़ाते हैं। जो भी लाइन क्या कहते हैं लाइव नहीं हुए, प्लीज लाइव हो जाएं। चलिए ध्यान से सुनिए। पिछले क्लास हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पढ़े थे दोस्तों। उसमें दो चीज देखे थे कि जब किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है तो अपने रूम टेम्परेचर पे एनर्जी पाकर वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता था और रेंडम वेलोसिटी से जाता था, जिसके कारण उसके इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हम लोग कहते थे थर्मल वेलोसिटी। और उसी थर्मल वेलोसिटी के कारण उस वायर में करंट फ्लो नहीं होता था। मगर जैसे ही बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं उस कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेंडम डायरेक्शन में जा रहे थे और जाने नहीं लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण उसकी ओर सब अट्रैक्ट होने लगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, एक खास डायरेक्शन में जाने लगा, जिसके कारण उस सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी का मान कुछ न कुछ आ गया दोस्तों। तो उसके कारण उस कंडक्ट में करंट फ्लो होने लगा, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वहां पे हम पाए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपना वेलोसिटी चेंज करता है। तो यदि अपना वेलोसिटी चेंज करता है तो कुछ ना कुछ टाइम का इंटरवल लगता होगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन का टाइम इंटरवल का जब एवरेज निकालते हैं, उस टाइम इंटरवल के एवरेज को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम दोस्तों। तो चूंकि फॉर्मूला हम लोग ज्ञात कर चुके हैं पिछले क्लास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू कैपिटल E स्मॉल E टाउ अपॉन M दोस्तों। तो ये चीज हम लोग पिछला क्लास प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, हम यहां पर एक रिलेशन सीखना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से कितना करंट का फ्लो होता है उस पर हम बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे पास एक वायर है जो इस बैटरी के द्वारा कनेक्टेड किया गया है, और ये जो वायर है एल लेंथ का वायर है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। तो यहां पर जैसे ही वोल्टेज क्रिएट करते हैं, तो यहां पर इस वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके वजह से करंट फ्लो होने लगता है। तो इसका इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर ध्यान से देखिए, लेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर इज एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन। कहने का मतलब है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो है एन। तो एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो
उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात यह है दोस्तों, अब हम लोग लिखते हैं कि इस एरिया में इस वायर के वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वायर का वॉल्यूम हम लोग लिखे एल इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन, जिसे हम लोग लिखते हैं सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर बेसिकली एक है सर्कल का एरिया, एच उसका हाइट है। तो यहां पर भी ध्यान से देखा जाए तो ये सिलेंडर टाइप का है और ये सिलेंडर के लंबाई एल है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी इंटू मतलब एल इंटू ए, और इसमें यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, तो वी वॉल्यूम है कितना इलेक्ट्रॉन, तो वी वॉल्यूम कितना ए इंटू एल वॉल्यूम, तो इंटू एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एन इंटू ए इंटू एल। समझ में आ रहा है ना, एन इंटू ए इंटू एल। दोस्तों कुछ बच्चे लिखे हैं सर हिंदी मीडियम का वीडियो रिमूव हो गया है सर, विनय यादव। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, पहले हमको क्लास लेने दो। तो ध्यान से देखें, यहां पर एक चीज हम लोग देख लिए। अब क्या है कि हम अब जानना चाहते हैं कुछ और चीज। ध्यान से देखें मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, तो वी वॉल्यूम में एन इंटू ए इंटू एल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो चार्ज इंटू, अब चार्ज कितना होगा, तो हम लोग चूंकि जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या बोले थे कि टोटल चार्ज इन एनी सिस्टम, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज अवेलेबल होगा वो चार्ज इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना होगा, इंटीजर इंटू ई, तो इंटीजर मतलब एन इंटू ए इंटू एल। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एन इंटू ए इंटू एल एन का मान है और ई का मान तो ई है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इस कंडक्टर में चार्ज कितना है, एन ए एल इंटू ई, चार्ज कितना है एन ए एल इंटू ई। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब हम लोग देख लिए कि इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से इस कंडक्टर में चार्ज कितना हुआ, हुआ एन ए एल ई। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ध्यान से देखिए, अब ये हम जानना चाहते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास जो कंडक्टर था यहाँ पे कुछ इस टाइप से, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए थे, तो यहां से जो निकला था करंट इधर से गया, तो यहां से यहां तक आया होगा चार्ज, तो वन एंड से टू एंड तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा चार्ज, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, इसके बीच का लेंथ है एल और इसका वेलोसिटी है वी डी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एल टाइम इज इक्वल टू एल अपन वी डी, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू एल अपन वी डी। तो टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, टी इज इक्वल टू एल अपन वी डी। ठीक है दोस्तों, T इज इक्वल टू एल अपॉन बी डी। दोस्तों अभी हम जानना चाहते हैं कि उस वायर में करंट कितना फ्लो होगा, तो उस वायर में करंट कितना फ्लो होगा दोस्तों, उस वायर में करंट फ्लो होगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो उस वायर में करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दोस्तों तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग जानना चाहते हैं ये, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो टाइम है एल अपॉन बी डी यहाँ पर पुट कर देंगे,
टी के जगह, तो टाइम है यहाँ पर पुट यदि कर देंगे तो आई का आई बराबर का बराबर क्यू का क्यू, लेकिन टी का मन एल अपन वीडी, तो वीडी चल जाएगा ऊपर, वीडी चल जाएगा कितना ऊपर, और यहाँ पर मान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये वाला मान कहां से आ गया, आई का आई बराबर का बराबर, क्यू का मान है एन ए एल ई, हम बोले थे कि उस कंडक्टर में जो चार्ज होगा एन ए एल ई, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज ई, एन इंटू ई, तो वी वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, वी वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल, ए इंटू एल वॉल्यूम में चार्ज हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, वी डी का वी डी नीचे में एल है तो एल पुट कर दिए, एल से एल कट जाएगा तो मान आ जाएगा दोस्तों कितना, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। साथ ही ये है रिलेशन, यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर पुट करना चाहते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यदि वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो यहां पर मान पुट कर दिए, मान पुट करने के बाद हमारे पास मान आ गया करंट का, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, और करंट का मान आ गया एन ई, दो ठो है ई स्क्वायर ए इंटू ई इंटू टाउ अपॉन एम, मतलब करंट का मान बढ़ सकता है कब कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब आई का मान बढ़ सकता है, जब एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तब आई का मान बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ज्यादा होगा तब मान बढ़ सकता है, टाव का मान बढ़ेगा तब मान बढ़ सकता है। तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है करंट का मान दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, किस पे करता है, एन पे स्मॉल एन पे कैपिटल ए पे कैपिटल ई पे और टाव पे दोस्तों। तो ये सब के वजह से किसी वायर में करंट का मान बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सबों को मेरे तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे, चलिए क्या है पढ़ के बताइए हमको, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, समझ में आ रहा है ना, क्या है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है इसे समझना है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब देखो हम क्या किए कि एक लिए कंडक्टर, एक कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो जैसे कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें उत्पन्न होगा। तो हम कहें कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए थे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी हुआ था, दो जैसे ना बोलते हैं कि 5 रुपया में 20 आम तो 1 रुपया में 20/5 आम, वही कर्म करने वाले हैं। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वीडी अपॉन ई इलेक्ट्रिक, वीडी अपॉन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी अपॉन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा वही होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वही क्या होता है दोस्तों, वही होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दोस्तों। तो जो यहां पर आपको दिखाया गया है इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यू म्यू, ध्यान से सुनो, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई दोस्तों। चलिए तब हम इसका जानना चाहते हैं एसआई यूनिट दोस्तों, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन ले जाओ कूलम, ये वाला ले जाओ दोस्तों, ये हो जाएगा
एक ये वाला यूनिट हो गया और दूसरा यूनिट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये होता है ई। ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का दो यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर पुट करेंगे तो वोल्ट यहाँ आ जाएगा, मीटर वहां आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड दोस्तों। तो यहाँ पर मान आ गया ये वाला, तो ध्यान से देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मीटर स्क्वायर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसका अब क्या है कि डायमेंशन जानना चाहते हैं, तो डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे सहारा लेते हैं। ध्यान से देखो, तो यहां पर है, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। मीन इक्वल टू वीडी अपन ई है ना, तो हम लोग लिखते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन होता है, एक बार फॉर्मूले लिख देते हैं तो और अच्छा बात हो जाएगा। ध्यान से देखो, मीटर पर सेकेंड वोल्ट, वोल्ट यहां पर मीटर हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट। ठीक है, मीटर का जानते हैं एल, मीटर मतलब लेंथ मतलब एल, सेकेंड मतलब टाइम मतलब टी, वोल्ट मतलब क्या। तो वोल्ट को हम लोग एक प्रकार का लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको बताया हो गया होगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, पढ़े हो ना जी। तो भी क्या है, वोल्टेज है, तो डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क है, क्यू क्या है, चार्ज है। तो यहां पर डब्ल्यू मतलब जूल, मतलब क्यू मतलब चार्ज मतलब कूलम। तो यहां पर वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। तो यहां पर लिखेंगे वोल्टेज की जगह मीटर स्क्वायर सेकेंड का सेकेंड, जूल पर कूलम है तो ऊपर चल जाएगा पर कूलम। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं मीटर मतलब लेंथ का स्क्वायर, कूलम मतलब एटी। समझ में आ रहा है ना, सेकेंड मतलब टी, जूल मतलब एम, एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू। तो ध्यान से देखो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टी से टी खत्म हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो एम पर पावर माइनस वन, एल तो है नहीं, एल जीरो लिख दू, टी पर पावर टू। समझ में आया। तो यहां पर ठीक, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा दोस्तों। देखे क्या है, कुछ गलती नहीं ना जी, एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर, यहां पे ये शायद गलत है, ठीक है ये गलत है, इसको देख लेना। ठीक है, मीटर का एल स्क्वायर कूलम मतलब एटी होता है, सेकंड मतलब टी, जूल का मतलब मीटर, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस दो, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, तो एल स्क्वायर बचेगा नहीं। मीटर एल स्क्वायर कूलम एटी, सेकेंड टी, जूल का एम, ठीक, तो एल से एल खत्म, टी से टी खत्म, ए ए यहाँ पर है, एक तो ए है जी, एम पर पावर माइनस वन, एल जीरो है, टी पर पावर टू, और ए ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती था तो लिख देते हैं, एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर जीरो, टी पर पावर टू, और ए पर पावर वन। ये हो जाएगा डायमेंशन दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं अगले चीज का,
चलिए देखिए, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है जी? चलिए देखिए, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर जैसे लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन इटीसी रिमेंस कॉन्स्टेंट, देन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास एक वायर हो, ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या हो, एक वायर हो, हमारे पास एक वायर हो, वायर का दो इंड पकड़ते हैं, ये वाला ए सिरा हो गया, ये वाला बी सिरा हो गया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, वी ए बी। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा, द करेंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस दो इंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, बी ए बी, इसमें कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा जरूर ए से बी की ओर, क्योंकि यह इधर है हायर पोटेंशियल, इधर है लोअर पोटेंशियल, तो करंट कितना फ्लो होगा, आई। तो कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू बी ए बी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इस वायर का, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस वायर का क्या क्या कांस्टेंट हो, लेंथ कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि करंट का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी उल्टा बोल दिए, यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम क्रिएट करेंगे तो कम करंट फ्लो होगा। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम फ्लो करेंगे तो कम करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी डी। तो यही चीज हम आपको बताने का प्रयास किए हैं दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहां पर लिखे हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर आर इज सम कॉन्स्टेंट कॉल्ड, where R is some constant called proportionality constant is non electric resistance, so R is electric resistance of the wire, ठीक है। R क्या है, electric resistance है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या है, अब हमारे पास कुछ दूसरा बात है, क्या है जी, जब हम देखते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन में हम देखते हैं कि हमारे पास एक अलग अलग तरह का वायर है और हम उसमें देखते हैं कि भैया वोल्टेज वोल्टेज का डिफरेंस कुछ जो होगा, ये ए इंड है, ये बी इंड है। हम क्या बोले थे कि जैसे ही जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी रेशियो में करंट फ्लो होता है। मान लो हम कुछ वोल्टेज बढ़ाएं 5, तो उसी रेशियो में करंट फ्लो हुआ। हम वोल्टेज का मान कर दिए 10, तो उसी रेशियो में करंट फ्लो होगा। लेकिन हमारे जीवन लाइफ में हम पाते हैं कि सभी मटेरियल में इस तरह का बात नहीं होता है, सभी एलिमेंट में इस तरह का बात नहीं होता है। हमारे पास एक वायर हम देखें, हम क्या देखें कि वोल्टेज का डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट बहुत कम फ्लो होता है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दिए करंट थोड़ा कम फ्लो हुआ, तो इसमें भी ये चीज होता है। मतलब
करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन उतना नहीं दिखाता है जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाता था, तो ओम का नियम फॉलो नहीं किया। यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट में ओम का नियम फॉलो नहीं करता, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट में ओम का फॉलो करता है, इसीलिए हम लिख दिए ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। द सब्सटेंस विच ऑफ ओम्स लॉ इज ओमिक सब्सटेंस, जो ऐसे सब्सटेंस हो जो ओम के नियम का पालन करता हो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहलाता है दोस्तों। द सब्सटेंस विच ऑफ ओम्स लॉ आर नॉन एज ओम्स ओमिक कंडक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओमिक कंडक्टर दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग ओमिक कंडक्टर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ओमिक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, तो ओमिक सब्सटेंस में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, ओमिक सब्सटेंस में वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ देखना चाहते हैं। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ मेटालिक कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन, बट ध्यान से देखिएगा एट अ डिफरेंट टेम्परेचर वोल्टेज एंड करंट कर्व्स आर डिफरेंट। तो यहां पर ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, ये तबका केस है, ये तबका केस है जब थीटा का मान इतना है और टेम्परेचर एक खास है, टेम्परेचर कितना है टी नॉट है, तो हम क्या पाते हैं कि वोल्टेज इतना बढ़ाते हैं तो करंट इतना बढ़ जाता है, वोल्टेज इतना बढ़ाते हैं तो करंट इतना बढ़ जाता है, वोल्टेज इतना बढ़ाते हैं तो करंट इतना बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन हमको मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला, वो क्या मिला स्ट्रेट लाइन मिला दोस्तों, बट टेम्परेचर का मान अलग कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा टेम्परेचर का मान अलग कर दिए। यहां पर दो लाइन आपको दिख रहा है, एक है टी वन टेम्परेचर यहां पर है, एक है टी टू टेम्परेचर यहां पर। हम देख क्या पा रहे हैं भैया टेम्परेचर का मान किसका ज्यादा है, तो टेम्परेचर का मान आई टू का मान कम है और आई वन का मान ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए टेम्परेचर आई वन का मान ज्यादा है और आई टू का मान क्या है यहां पर दिख, यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, अब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर घटा हो तो वोल्टेज घट जाएगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट घट जाएगा। तो चूंकि यहां पर हम लोग देख लिए कि भैया टेम्परेचर बढ़ाते हैं ओमिक कंडक्टर का तो क्या होता है, ध्यान से देखो हम लोग चूंकि जानते हैं आई भी बराबर आई या आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, ठीक। अब ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, यहां पे टेम्परेचर वन के लिए है टेम्परेचर टू के लिए, टेम्परेचर वन के लिए थीटा वन ई है और टेम्परेचर टू के लिए थीटा टू ई है। तो हम दो चीज का बात करते हैं, जब टेम्परेचर वन था तो वोल्टेज इतना वोल्टेज वन और करंट इतना आई वन, जब टेम्परेचर टू था तो वोल्टेज वी टू और करंट आई टू, ठीक। अब हम बात करते थीटा वन के लिए, तो थीटा वन अरे भैया जब थीटा का मान बहुत नियरली हो तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, होता है कि नहीं, ठीक। तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा वन इज इक्वल टू लिखेंगे, थीटा वन इज इक्वल टू लिखेंगे ये वाला, तो ये वाला क्या वी वन अपन आई वन, तो वी वन
अपॉन आई वन। दूसरा चीज थीटा टू, थीटा टू, थीटा टू के लिए लिखेंगे वी टू अपॉन आई टू, तो वी टू अपॉन आई टू। दोस्तों तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, देख क्या पा रहे हैं, थीटा वन है ये, थीटा टू है ये, टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब ज्यादा टेम्परेचर हो तो थीटा का मान हम देख रहे हैं ज्यादा है, थीटा का मान क्या है ज्यादा है। टेम्परेचर कम हो तो थीटा का मान कम है। तो हम क्या पाए कि यदि थीटा का मान बढ़ता है तो भी बटे आई, आई भी बराबर आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी अपन आई। थीटा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि आर वन के लिए भी वन बटा आई वन हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर जब टी वन होगा तो प्रतिरोध आर वन होगा और आर वन का मान ज्यादा होगा। थीटा टू होगा वी टू बटे आई टू होगा तो आर टू का मान कम होगा क्योंकि वी टू बटे I2 है। तो यहाँ पर वही चीज दिखाया गया है, R1 का मान ज्यादा है, I2 का मान, R2 का मान कम है। जब थीटा वन का मान ज्यादा हो तो R1 का मान ज्यादा होगा, जब tan थीटा वन का मान ज्यादा हो तो R1 का मान ज्यादा होगा, tan थीटा टू का मान कम हो तो R2 का मान ज्यादा होगा। कब? जब टेम्परेचर वन का मान ज्यादा हो, टेम्परेचर टू का मान कम हो। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर ओमिक कंडक्टर अलग अलग तरह का बिहेव करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है नॉन ओमिक कंडक्टर? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर, द डिवाइस और सब्सटेंस विच डोंट ओबे, विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। एग्जाम्पल गैस, क्रिस्टल, रेक्टिफायर्स, थर्मो थर्मोनिक वेल्व, ट्रांजिस्टर इटीसी आर नॉन एज नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन लीनियर कंडक्टर। फोर दीज वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व इज नॉट लीनियर, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं बनेगा, एक कर्व का ग्राफ बनेगा। जिस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं रेड कलर का, जो रेड कलर का लाइन आपको दिखाने का प्रयास किए हैं दोस्तों, ये है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। क्या? वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दोस्तों, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं, वोल्टेज का मान इतना है, वोल्टेज का मान इतना है, तो करंट का मान कम रहता। वोल्टेज इतना बढ़ा दिए, करंट का मान इतने बढ़ा, वोल्टेज का मान हम इतना बढ़ा दिए, करंट का मान इतने बढ़ा। वोल्टेज यहां तक बढ़ चुका है मगर करंट कम हुआ है, वोल्टेज का मान आपकी बार यहां बढ़ा दिए तो करंट यहां पर हुआ। वोल्टेज का मान हम इतना बढ़ा दिए, करंट का मान इतना बढ़ा, वोल्टेज का मान हम इतना बढ़ा दिए, आपकी बार करंट अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगता, वोल्टेज का मान हम इतना बढ़ा दिए तो करंट का मान इतना बढ़ गया, वोल्टेज का मान इतना बढ़ा तो करंट का मान इतना बढ़ गया। अब क्या है, शुरू का स्थिति में वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या है कि कुछ स्टेज के बाद वोल्टेज का मान कम बढ़ाते हैं तो करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वोल्टेज का मान कम बढ़ाते हैं लेकिन करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन ओम स्लॉ में क्या था कि वोल्टेज का मान जिस रेशियो में बढ़ाते थे करंट का मान उस रेशियो में बढ़ता था, वोल्टेज का मान जिस रेशियो में बढ़ाते थे तो करंट का मान उसी रेशियो में बढ़ता था। कारण क्या था? ओम ओमिक कंडक्टर था, ठीक है, ये ओमिक कंडक्टर नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम देख क्या पा रहे हैं कि वोल्टेज का मान जिस रेशियो में बढ़ाते हैं करंट का मान उस रेशियो में
बढ़ता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर हम एक चीज देखें। तो यहां पर दो चीज है, दो चीज के रेसिस्टेंस का बात करेंगे। एक है स्टैटिक रेसिस्टेंस, आर एस इजकल टू वी अपन आई इजकल टू वन अपन टेन थीटा, भी इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे इस लंबे समय के लिए रेसिस्टेंस का यदि बात करेंगे तो कुछ थीटा बनेगा। यहां पर ध्यान से देखिए, थीटा बनेगा, मतलब इस ग्राफ के लिए यहां से यहां तक के रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक रेसिस्टेंस, जो यहां पर दिखाने का प्रयास किया है भी अपन आई। और यदि सिर्फ इसी पॉइंट के लिए, इसी खास पॉइंट के लिए रेसिस्टेंस की बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायनेमिक रेसिस्टेंस। यहां पर जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, डायनेमिक रेसिस्टेंस है दोस्तों। डायनेमिक रेसिस्टेंस डेल्टा बी अपन डेल्टा आई, मतलब वोल्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन और उस वोल्टेज के परिवर्तन से उसमें करंट में थोड़ा सा परिवर्तन, तो डेल्टा बी अपन डेल्टा आई है। उसको हम लोग बोल सकते हैं 1/5, यहाँ पर थोड़ा सा बना होगा एंगल जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फाई। तो ये हो जाएगा डायनेमिक रेसिस्टेंस दोस्तों, और ये क्या हो गया स्टैटिक रेसिस्टेंस। स्टैटिक रेसिस्टेंस लंबे समय के लिए होता है और डायनेमिक रेसिस्टेंस छोटे समय के लिए होता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको दिखाने का हम प्रयास किए हैं। चलिए अब अगले स्लाइड की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसका यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, वोल्ट पर एम्पियर या फिर इसको ओम बोलते हैं। फिर हम जानना चाहेंगे दोस्तों इसका रेसिस्टेंस का डायमेंशन, तो होता है डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 3 ए टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, अब आगे जानना चाहते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। तो जो रेसिस्टेंस है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एल लेंथ का एक वायर है, इसका क्या कहते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें करंट क्या फ्लो होगा कुछ इस प्रकार से। तो हम यहां पर क्या पाते हैं कि रेसिस्टेंस का मान बढ़ता कब है घटता कब है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखा जाए तो हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन। मतलब यदि लंबाई ज्यादा रहेगा तो इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यदि एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा एरिया क्रॉस सेक्शन। यहां पर क्या कहता है, इट्स लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्रॉस सेक्शन का मान यदि कम रहेगा तो रेसिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान घट जाए। समझ में आ गया ना, तो ये चीज है। तो लिखा है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया का मान बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान घट जाएगा। ठीक है, एरिया का मान बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान घट जाएगा, एरिया का मान घटेगा तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इक्वेशन पे बात करते हैं।
आर प्रोपोर्शनल टू एन, एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा और एरिया का मान बढ़ेगा तो आर घटेगा। दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो मान कुछ इस प्रकार से आता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू रो इन रो इनटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। तो उस वायर का रेसिस्टिविटी कहलाता है जिसे हम लोग रो से उसको डिनोट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानना चाहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर एंड डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री एंड ए टू द पावर माइनस टू। और हम लोग अब इसमें स्पेशल केस हम लोग देखते हैं, व्हेन एल इज इक्वल टू वन मीटर एंड ए इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है हमारे पास एक क्यूब हो, क्या हो, क्यूब हो, क्यूब के सिरा से दूसरे सिरे में एक बैटरी को कनेक्ट करो और यहां पे करंट कुछ फ्लो होगा। तो इस वन मीटर वाले क्यूब में जो रेसिस्टिविटी होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। देखो यही फॉर्मूला का यूज किए हैं, एल का मान वन मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन भी वन मीटर हो जाएगा। अब क्यों होगा जी, तो ध्यान दो वन मीटर का है तो ये एक ना हो जाएगा वो स्क्वायर, लेंथ भी वन मीटर है कि नहीं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन वन मीटर स्क्वायर और लेंथ वन मीटर का है, तो इसमें जो रेसिस्टेंस की उत्पत्ति होगी वन मीटर क्यूब में जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा उसको ही बोलते हैं रेसिस्टिविटी। समझ में आ रहा है? तो लिखे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वन मीटर ऑफ अ वायर हैज यूनिट एरिया और क्रॉस सेक्शन, देन रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इसका मान कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपन रो। ठीक है, इसका हम जानना चाहते हैं ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम पर मीटर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी इज एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर क्यू, टी टू द पावर माइनस थ्री, टी टू द पावर थ्री, ए टू द पावर टू, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद हम जानना चाहते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू वन अपन आर, और सी का हम लोग डायमेंशन जानना चाहते हैं, यूनिट जानना चाहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज पर ओम, या फिर इसको साइमन भी बोलते हैं, और उसका डायमेंशन क्या होता है, एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस, एल टू द पावर माइनस थ्री माइनस टू, टी टू द पावर थ्री, ए टू द पावर टू। दोस्तों तो ये चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।